बात करेंगे सबसे पहले जिस तरह से डीजल पेट्रोल की बात करेंगे, कई दिनों से लगातार जहां पर एक ही जगह पर रुकी थी इनकी कीमतें पेट्रोल और डीजल की, वहीं चंद माह के बाद ही पेट्रोल और डीजलों में एक बार फिर इजाफा हुआ है और महंगाई एक बार फिर आवाम के लिए मार बन रही जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है, जहां पर आलमी मंडियों पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 110 के पार जबकि डीजल भी 100 के करीब पहुंच चुका है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए फी लीटर तक का पहुंच गया है, तकरीबन 40 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ कीमतों पर पेट्रोल और डीजल दस्तियाब है, लेकिन अवाम की मार एक बार फिर चीजों की कीमतों जो एशियाई खुर्दने उनकी कीमतों पर भी एक बार फिर इजाफा होने की तवक्का की जा रही है। जी बिल्कुल, काफी दिनों से ये कयास आ रही तेज थी कि आखिर इलेक्शन भी खत्म हो गए, इंतखाबात भी खत्म हो गए और पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ। आमतौर से ये नज़रिया लोगों के बीच गांव शहर में पाया जाता है कि इलेक्शन से पहले, इंतखाबात से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आरसी तौर पर राहत देने की कोशिश की जाती है, फिर उसके बाद बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस बार 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इससे पहले 30 पैसे 40 पैसे 20 पैसे इजाफा हुआ करता था, लेकिन इस बार 80 पैसे इजाफा हुआ है, यानी करीब 1 रुपये का इजाफा 1 लीटर पर हुआ है। 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त नई कीमत जो अब तय होती हुई दिखाई दे रही है उसके मुताबिक कौमी राजधानी में पेट्रोल अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 96 रुपए 21 पैसे देने होंगे और अगर डीजल खरीदने जाएंगे तो आपको 87 रुपए 47 पैसे देने पड़ेंगे 1 लीटर के। इसके अलावा अगर आप जाए मुंबई में पेट्रोल खरीदने के लिए आपको सीधे 100 का नोट निकालना होगा, 110 रुपए 82 पैसे यानी कि 111 रुपए 1 लीटर के देने होंगे। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के 95 रुपए आपको देने होंगे लीटर, ये मुंबई का रेट है। साथ ही साथ अगर मगरबी बंगाल चलेंगे तो मगरबी बंगाल में भी कीमतें आसमान छू रही हैं और 105 रुपए 51 पैसे यानी 155 रुपए आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे देने होंगे। कोलकाता में अगर डीजल की बात करें तो 90 रुपए 62 पैसे यानी 90.5 रुपए आपको देने पड़ेंगे डीजल के। ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट है या नई कीमत जो तय की गई है 80 पैसे बढ़ने के बाद उसकी सूरत हाल है, वो नर्ख हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप चेन्नई चले जाओ साउथ की तरफ तो वहां आपको चेन्नई में 102 रुपए 16 पैसे देने होंगे पेट्रोल की कीमत 1 लीटर लेने के लिए, और पेट्रोल के अलावा अगर आप डीजल लेते हैं तो फिर आपको 92 रुपए 19 पैसे देने होंगे। तो ये मुल्क के बड़े चार शहर जहां आमतौर से पेट्रोल और डीजल की खपत ज्यादा है वहां की कीमतें हैं। तो आपको बता दें कि ये 137 दिनों के बाद इस तरह से इजाफा देखने को मिला है। 4 नवंबर को इससे पहले ये कीमत बढ़ी थी और उसके बाद से लेकर के अब तक के ये कीमत लागू थी। अब जाकर के आज सुबह सुबह एक बार फिर से महंगाई की मार आवाम पर और खास से वो मिडिल क्लास जो रोजाना पेट्रोल के लिए मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचता हो, डीजल के जरिए अपने जनरेटर चलाता हो, दीगर गाड़ियों को चलाता हो, जो मिडिल क्लास से खासतौर से जो 2 लीटर 5 लीटर 4 लीटर 10 लीटर सुबह एक दिन या हफ्ते में डलवा करके अपना काम निकालते हो, उनके लिए ये महंगाई की मार काफी असरदार होने वाली है। आपको बता दें कि जो सूरत हाल है रूस और यूक्रेन की जंग के बीच उसकी वजह से तेल बढ़ रहे हैं, जो हमें खबर मिल रही है कि जो आलमी मंडियां हैं उसमें कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल डीजल की जो मुतालबात है जो डिमांड्स हैं वो कम हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमतें कच्चे तेल की कीमतें उठी हैं और ऐसे में हिंदुस्तान पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही वजीर दफा वजीर खारजा सब ने इशारा कर दिया था, इस जानिब सरकार ने भी इशारा कर दिया था, खुद वजीर आजम ने, कि रूस यूक्रेन की जंग का असर पड़ सकता है हिंदुस्तान पर और असर पड़ने का मतलब यह था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आपको इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। और आज सुबह सुबह खबर मिली कि 1-2 पैसे और 20 पैसे 30 पैसे 50 पैसे नहीं बल्कि 80 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल दोनों में। आपको अपने शहर की कीमत जानने के लिए आपको आसपास के पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा, लेकिन 4 बड़े शहर जहां बड़ी खपत है तेलों की, उन बड़े शहरों की कीमत हमने आपको बता दी। मुंबई जाए, चेन्नई जाए, मगरबी बंगाल जाए, यहां 100 के नोट आपको 1 लीटर के लिए देने ही देंगे होंगे, क्योंकि 105 रुपए 110 रुपए इन शहरों में पेट्रोल की कीमतें हैं। दिल्ली में 95 रुपए इस वक्त 96 रुपए 21 पैसे एक कीमत है, 100 के अंदर में है जरूर, लेकिन ये भी 96 रुपए 21 पैसे फिलहाल बहुत ही ज्यादा है मिडिल क्लास के लिए। तो ये महंगाई की मार सुबह सुबह हिंदुस्तान की आवाम को सुनने को मिल रही है और इससे मिडिल क्लास मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है।